लिए चार महीने से प्रोएक्टिव पुलिसिंग की स्ट्रेटजी हमारे पुलिस आयुक्त महोदय ने शुरू की है। उस स्ट्रेटजी के तहत नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अनुष के नाम से, जिसके तहत वांटेड क्रिमिनल्स, एबिजुअल ऑफेंडर्स और जो लोग सस्पेक्टेड हैं या इसी तरह के अवैध वेपन लेकर पहुंचे हैं उनकी एक धरपकड़ का अभियान बड़े जोर शोर से चलाए गए हैं, उसके तहत हमें काफी सक्सेस मिली है। इसी सिलसिले में पूरी तरह से अवैध हथियार की सप्लाई का काम हम लोग नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके तहत कुछ इंफॉर्मेशन डेवलप की गई और हमारे को इंटेलिजेंस मिली। उस इंटेलिजेंस के आधार पर एक पुलिस टीम बनाई गई, जिसमें आप जो रात बीती है उसमें लगभग 1 बजे के आसपास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, जिसमें 4 अपराधी पकड़े गए, जिनमें से 4 के 4 की तलाशी ली गई तो उनके पास से कुछ अवैध हथियार, कैश और कंडीशन मिला। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक हुआ इन्वेस्टिगेशन, उसमें जो ये 4 अपराधी 6 लोग जेल से संबंध रखते हैं और वे आग सप्लाई का काम करते हैं। इन 4 के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। मुल्तान खान का अपराधी है जो इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट 23 है, जो मकोका में भी बंद हुआ था और कुछ दिन पहले वो बेटा हुआ था। ये यूपी पुलिस में इस पर विवाद है और ये एक्सटर्नली भी रहा हुआ है, 6 महीने से ये संबंध रखता है। इसके अलावा शाह है जिसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, वो जो मर्डर केस में इन्वॉल्व है, और जो मुल्तान है ये इसके साथ काम करता है, और एक पिशा ये इसकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चौथा है समीर, इसकी एक का प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। इनके कब्जे से जो हमें मिला है वो बेसिकली 3 सोफिस्टिकेटेड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिले हैं, 18 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, एक स्पेयर मैगजीन मिली है, 6.5 लाख केवल कैश मिला है और छोटा फॉर्च्यूनर मिली है जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो ये अपराधी ये ऑटोमेटिक वेपन लेकर और बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, ताकि अगर कहीं पर कोई पुलिस की कार्रवाई होती है या कोई दूसरा ऑटोमेटिक गैंग कोई कार्रवाई करता है तो इनका गाड़ी बुलेट प्रूफ है और ऑटोमेटिक वेपन लेते रखी हुई। इसके अलावा ये लोग यूपी में से प्रयोग करते हैं और दिल्ली में सप्लाई करते हैं। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो ये सप्लाई की चेन है कहां से ये प्रयोग करते हैं और कहां पर ये आगे सेल करते हैं, ये वैसे वो अभी इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी क्रिमिनल्स को भी सेल करते हैं और जो दूसरे के आश्रम गैंग के मेंबर्स हैं उनको भी सप्लाई करते हैं। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो भी इसमें जारी है और अभी इनको आज तक में बंद कर दिया गया। थैंक यू। तो तारीख को कैसे इनके मालूम क्या से आम आदमी तक जो गाड़ी है वो तो हमने कहा से मॉडिफाई करवाई है और उसमें किसने उनकी मदद की है तो वो भी ड्यू इन्वेस्टिगेशन होता है। अभी इन्वेस्टिगेशन जा जी अभी जो हमारे पास टोटल इन्वॉल्वमेंट है वो 23 इन्वॉल्वमेंट, तो वो एग्जैक्ट किस किस
इस क्रिमिनल एक्टिविटी में पूरी डिटेल अभी मेरे पास नहीं है, वो आपको शेयर कर दी जाएगी। जी, इसके लिए ट्रैक लगाया गया था सिलीमपुर जो मेट्रो फ्लाईओवर है मेट्रो स्टेशन के पास, उसके ट्रैक लगाया गया था इंफॉर्मेशन थी इसलिए जो अभी तक मेरी जानकारी है वो भी जेल में 23 केसेस ऑलरेडी है, बाकी अभी इंफॉर्मेशन से पहले होगा कि उसके बाद में कहीं दूसरी जगह किए हैं या नहीं किए हैं और कहाँ पे वहाँ के। अभी तक जो हमें सस्पिशन है वो ये कि कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं और ये आप सप्लाई करने के लिए इंक्रीमेंट का जाने का प्लान था लेना, बाकी इंटरव्यूशन के दौरान वो चीजें आएंगी वो फिर शेयर की जाएगी। तीन अभियानों के अलावा कोई थेप की भी कोई जानकारी मिली है कि कोई थेप उसे जा सकती है? उसके लिए अभी इंटरव्यूशन चल रहा है। थैंक यू। सिल्वर कलर व्हाइट और बस।